नमस्कार, न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सूरत की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट 20 अप्रैल को अपना फैसला सुना सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका लगाई है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में नामजद और बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को झांसी में एक पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। इस मामले के एक अन्य अभियुक्त गुलाम मोहम्मद को भी इस एनकाउंटर में मार दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को इन दोनों अभियुक्तों की तलाश थी। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम रखा गया था। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सीजीएम कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पेशी के दौरान जब अतीक को अपने बेटे असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो वह कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए केस मिले हैं। इसी के साथ देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 44,998 हो गई है। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में पिछले दिन की तुलना में 30% का उछाल आया है। अगले 10 से 15 दिनों तक संक्रमण के और बढ़ने की आशंका जताई गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित परमानिक के काफिले पर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में हुए हमले की कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी की एक नई याचिका पर सुनवाई और विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मुस्लिमों का 4% कोटा खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने वकील कपिल सिब्बल की मांग पर विचार करने के बाद इसे लिस्ट करने की मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने हाल ही में अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला किया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा की 15 साल की सरकार ने बस्तर के लोगों को निर्भर बनाया, आत्मनिर्भर नहीं बनाया। भाजपा की सरकार में सिर्फ शोषण था। कांग्रेस महासचिव भरोसे के सम्मेलन में शिरकत करते हुए बोल रही थी। बिहार की राजनीति में उठापटक के बीच आज एक नया मोड़ तब आया जब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। उनके साथ एचबीएम के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हालांकि बैठक के बाद मांझी ने कहा कि एनडीए में शामिल होने का सवाल ही नहीं है। मैं नीतीश कुमार के साथ ही रहूंगा। नीतीश कुमार में पीएम बनने की सभी विशेषताएं हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोलते हुए नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और संघ का जो प्रचार है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है वह झूठ, गलत और अप्रमाणित है। मैं यह साबित कर सकता हूं कि हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की संख्या तेजी से घट रही है। आरएसएस और उसके संगठन झूठा प्रचार करते हैं। कोलकाता मेट्रो ने के नाम देश की पहली मेट्रो रेल सेवा होने का रिकॉर्ड तो पहले से ही था, अब पहली बार एक मेट्रो ट्रेन ने हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग पार कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। यह सुरंग किसी नदी के बीच बनी भारत की पहली मेट्रो रेल सुरंग है। राइटर्स बिल्डिंग से हावड़ा मैदान तक गई इस ट्रेन की कोलकाता मेट्रो रेलवे के अधिकारियों ने भी सवारी की।